उत्तर प्रदेश राज्य के सिविल पेंशनर परिषद की मासिक बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार भवन में होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना और संचालन यश त्यागी ने की। इस दौरान कवियों द्वारा एक से बढ़कर एक काव्य प्रस्तुत किए गए और उपस्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वाहवाही लूटी गई। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा गीत गजल और कविताएं पेश करके मनोरंजन किया गया। इस मौके पर परिषद के 3 सदस्यों को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए माल्यार्पण भी किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक होली मिलन समारोह में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक दूसरे को होली की बधाई दी। सेवानिवृत्त कर्मचारी राशिद सिद्दीकी ने इस तरह काव्य पाठ किया। नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। एक बात आज तुमको बताता हूँ काम की, एक बात आज तुमको बताता हूँ काम की, इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत। साथ ही मासिक बैठक के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारी मासिक बैठक है, उसके अलावा होली मिलन समारोह भी है। इसमें हमने 4 कवियों को बुलाया गया है, 2 महिला हैं, 2 जेंट्स हैं। एक है श्रीमती हेमा भट्ट, दूसरी है मीनाक्षी ठाकुर, तीसरे हैं श्री कृष्ण शुक्ल जी और चौथे हैं श्री विद्रोही जी। इन 4 के माध्यम से होली की फुहार यहाँ पर जो है हंसी की फुहार छोड़ी जाएगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 जने हमारे परिषद के सदस्य थे जिनका जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिन की बधाई भी दी गई हैंगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी की कोई समस्या होगी तो उसको भी देखें और उसका समाधान करने के लिए कार्रवाई का प्रयास करें।